महंगाई बहुत बढ़ गई है, सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ तो आइडिया निकालना पड़ेगा, सोच रहा हूँ कहीं चला जाऊँ, पर कोई ऐसा इलाज नहीं है। पर आज आपको मैं ऐसा ही किसी ट्रिक के बारे में बताने वा रहा हूँ। रुपया पैसा ये एक ऐसी चीज़ है, दिन रात लोग इसके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात कमाते हैं, जब जाके दो वक्त की रोटी खाते हैं। वहीं कई लोग बोलते हैं पैसा हाथ का मैल है। बॉलीवुड में भी कई ऐसी ट्रिकें सुनाई जाती हैं, एक का दो अक्षय कुमार के साथ में मजाक भी होता है, रात 20 दिन के अंदर पैसा डबल। पर मैं आपका डबल नहीं, कई गुना बढ़ाने आया हूँ पैसा को। ऐसे ही कोई ट्रिक बताऊंगा, आपका जो रुपी है वो 1 रुपये के बदले आपको 205 रुपये मिल जाएंगे। आपको सोच सुनकर मजाक लग रहा होगा, पर नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही सीरियस हूँ। आज आपको ऐसे 6 देशों के नाम बताऊंगा जहाँ जाकर आप अपने रुपये की वैल्यू है उसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, जय हिंद। मेरा नाम है रॉबिन डंडोतिया, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश ऑनलाइन। उन 6 देशों की सूची में सबसे पहले आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के 205 रुपए ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 भारतीय रुपए के बदले। नेपाल के 1.60 रुपए ले सकते हैं आप 1 भारतीय रुपए के बदले। वहीं श्रीलंका के सिर्फ 2.36 रुपए ले सकते हैं आप 1 इंडियन रुपए के बदले। और श्रीलंका बहुत ही पास में है, साउथ से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है। नेपाल जाने के लिए आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप नेपाल जा सकते हैं, बहुत ही इजीली है नेपाल की ट्रिप। और सस्ता मजबूत टिकाऊ की जब बात करते हैं तो नेपाल का नाम सबसे पहले आता है। आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं, वहां से खरीदारी कर सकते हैं बहुत ही कम रुपयों के अंदर। और पैराग्वे उस सूची में 4th नंबर पे है। पैराग्वे के 86 रुपए बोले हैं। गौरीन जो वहाँ की करेंसी है वो आप 86 ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 इंडियन रुपए के बदले। मंगोलिया के 36 ले सकते हैं। वहीं वियतनाम के जो करेंसी है डोंग उसके बदले 352 जब डोंग आप लेंगे, जब आपको सिर्फ और सिर्फ 1 इंडियन रुपए देना पड़ेगा। कंबोडिया सबसे आखिरी सूची में है उस लिस्ट में, 63 रुपए आप ले सकते हैं, बोले तो 63 रील ले सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ 1 इंडियन रुपए के बदले। बहुत ही बढ़िया एक बम्पर ऑफर जैसा लगता है, पर ये कोई खत्म होने वाला ऑफर नहीं है, परमानेंट है। बहुत से लोग तो अपने इंडिया की जो करेंसी है उन्हें कम आते हैं, कई बार सोचते हैं कि इंडियन की जो वैल्यू है रुपी की वो बहुत ही डाउन है, पर ऐसा नहीं है। हम आपको बता दें हमेशा हम डॉलर से कंपेयर करते हैं, डॉलर से करना भी चाहिए क्योंकि एक इंटरनेशनल करेंसी है जिससे कंपेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर जो एक्सेप्टेंस करेंसी है वो डॉलर है। पर ऐसे कई देश हैं, ऐसी कई करेंसियां हैं जिनकी वैल्यू हमारे इंडियन रुपए से कई गुना नीचे है, ऐसी बात नहीं है। और जब हमने आज़ादी ली थी 1947 में, उस समय इंडियन रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर थी, इक्वल थी। आपको बता दें कभी भी इस गलतफहमी में ना रहना, भारतीय कभी कम नहीं रहे हैं, आगे इंडियन रुपए की वैल्यू और बढ़ेगी। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और ये ज्ञान किसी दूसरे को बांटना हो तो जरूर शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आप कहां पे जाने वाले हैं, कौन सी ट्रिप आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। ऐसी नई नई खबरें जानने के लिए मुझे देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ देश ऑनलाइन पर। मैं रॉबिन डंडोतिया, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियो से।